नवी मुंबई नेटवर्क। गांव के संघर्षों से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के युवा और पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के 2 साल से मैदानी खेल से महरूम सारसोले गांव के रहवासियों को दोबारा मैदानी खेल की तरफ मोड़ने और फिट सारसोले गांव के सपने को साकार करने के लक्ष्य के साथ सारसोले गांव सेक्टर 6 में भव्य क्रीड़ा महोत्सव 2022 और अंडर आर्म नगर सेवक चषक 2022 का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया। 25 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस भव्य क्रीड़ा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे ऐरोली के विधायक गणेश नायक। सूरज पाटिल ने गाजे बाजे ढोल लगाड़ों के बीच गणेश नायक का सारसोले गांव में जंगी स्वागत करते हुए एक तरफ जहां भाजपा की ताकत का परिचय दिया तो वहीं अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान गणेश नायक ने कैरम और चेस खेलकर जहां स्पर्धा की आधिकारिक शुरुआत की वहीं सारसोले गांव अंडर आर्म नगर सेवक चषक 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट की चैंपियनशिप ट्रॉफी का विमोचन कर इस क्रीड़ा महोत्सव में एक जान भर दी। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल, पूर्व सभागृह नेता रविंद्र थापे, पूर्व नगर सेविका सुजाता पाटिल, जयश्री ठाकुर, समाज सेवक गणेश भगत, अशोक त्रिपाठी और कुक्षेत गांव के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस स्पर्धा में जहां खास बच्चों के लिए बुद्धि बल स्पर्धा, कैरम स्पर्धा, 100 मीटर रिले, 200 मीटर रिले, पाक कला स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा, सोसाइटी अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट, सारसोले गांव संघ अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। वही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बिंदु इस बार इस क्रीड़ा महोत्सव में बनकर साबित होगा सारसोले गांव नगर सेवक चषक 2022। इस दौरान ऐरोली के विधायक गणेश नायक ने सूरज पाटिल के कार्यों की जमकर प्रशंसा कर जहां उन्हें अपना मजबूत सिपह सलार बताया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत ताकत करार दिया। गणेश नायक ने सारसोले गांव को भय मुक्त कर संपूर्ण काया पलट करने के लिए सूरज पाटिल पर विश्वास की मोहर लगाते हुए उनका जाहिर सत्कार किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए गणेश नायक ने कहा कि सूरज पाटिल के कार्यों का दराना लोगों के मन में है। गणेश नायक ने कहा कि लोगों का प्यार ही उनकी ताकत है और इसी ताकत के दम पर 2015 से भी बड़ी जीत दर्ज करवाएंगे। एक भय होना और एक दरारा होना, उसमें बहुत मैसेज तो वही होता है लेकिन जो एक दहशत होते है उसका भय होता है और जो एक कार्य का प्रभाव होता है वो दरारा होता है। सद्भाग्य से सूरज पाटिल, सुजाता पाटिल, जयश्री ठाकुर, अभी गणेश बिने सब ये अभी इसमें से 2-4-5 आने वाले जो खड़े हैं ना उसमें 2-4 तो आने वाले यार, तो लोगों के मन में प्यार है वही हमारी ताकत है। ये गुंडागर्दी से हमें नहीं जीतना है, पैसे के बलबूते पे हमें एक लड़ाई नहीं लड़नी है। लोगों को फंसाना, लोगों को गुमराह करना, ये इस बात पे हमारा विश्वास नहीं, क्योंकि एक बार लोग विश्वास करेंगे दूसरे बार विश्वास नहीं करने वाले। सद्भाग्य से मैंने विनम्रता से मैंने कहा है हमेशा कि 1995 से लेके 2020 तक इस शहर के लोगों ने गणेश नायक जैसे सामान्य नेतृत्व पर विश्वास जताया और उसका फल है कि ये शहर की प्रगति होते रही टैक्स न बढ़ाते हुए भी। तो सूरज पाटिल, सुजाता पाटिल, जयश्री ठाकुर, इन्होंने लोगों के मन के साथ अपना जुड़ाव किया है, लोगों के दुख दर्द में वो हमेशा साथ रहे, इसलिए वो लोगों का प्यार उनके साथ में। जो सफलता 2015 में मिली थी उससे भी ज़्यादा सफलता इस बार मिलने वाली है क्योंकि नई मुंबई की जनता ने ठन लिया है। ऐसा एक भी धर्म नहीं, जात नहीं, पंथ नहीं, वर्ण नहीं, भाषा नहीं,
जो गांव का लोग हो, शहर का लोग हो, झोपड़ी का, सबने सोचा है कि भाई ये शहर का जो कोई प्रोटेक्शन करना जो करते हो भावना है वो दादा के सिवा कोई नहीं करेगा, क्योंकि दादा यहाँ जन्म लिया और दादा इधर ही अपने जीवन की यात्रा समाप्त करने वाले। इसका मतलब और लोग कोई प्यार नहीं करते होंगे शहर से, नहीं, लेकिन जिस भावना से हम लोग करते हैं, अंदरूनी दिल से करते हैं, वो भावना किसके मन में नहीं है। गणेश नाइक ने दम भरते हुए कहा कि इस बार की महानगर पालिका चुनावी जंग गणेश नाइक नहीं बल्कि नवी मुंबई की जनता लड़ेगी। इस बार एक अग्नि परीक्षा है आपके समक्ष और आपके सभी जो कार्यकर्ता है उनके समक्ष, किस प्रकार से ये जंग लड़ी जाएगी दादा? देखिए, मैंने तो कार्यकर्ताओं से बोला है कि किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना। यदि किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तो क्या क्रिटिसाइज किया मुझे बोल दो, दो मिनट में उसका जवाब क्या देना है मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन जो बाहर वाले जो आएंगे, जो कुछ भी इल्जाम लगाएंगे, उसका जवाब आखिर में गणेश नाइक देंगे। अग्नि परीक्षा होने तो देखो भाई, हम तो अग्निपथ, अमिताभ बच्चन का आपने अग्निपथ देखा है क्या? हम तो अंगार से चलते आए हैं। जीवन में सुख की उम्मीद हमने कभी नहीं की, लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए कितने भी परेशानी का सामना करना पड़ा तो हम करने वाले हैं। और मैं एक अग्नि परीक्षा की बात बोल रहा हूँ, ये लड़ाई नई मुंबई के जनता ही लड़ने वाले है, हमने लड़ने वाले नई मुंबई की जनता ही इस लड़ाई में अपना साथी कौन है, अपना नेतृत्व कौन है, वो खुद लड़के वो नेता को बढ़ावा देने। गणेश नाइक ने कहा कि आगामी महासभा बैठक में महानगर पालिका अस्पतालों में गरीबों को सुपर स्पेशलिटी इलाज देने के लिए वाशी, नेरुल और बेलापुर अस्पताल को फोर्टिस की तर्ज पर ग्लोबल टेंडर के जरिए 1600 मरीजों को मुफ्त इलाज देने का उनका प्रयास रहेगा। फोर्टिस हॉस्पिटल में 800 मरीजों को एक नया पैसा ने लिए हुए ट्रीटमेंट मिलती है, किसका 10 लाख 15 20 लाख तक बिल भी होता है। ऐसे जो पीला कार्ड धारक और भगवा कार्ड धारक ऐसे गरीब लोगों को अभी 800 में नहीं होता, नई मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ गई, ये संख्या बढ़नी चाहिए, तो 1600 तक लेके जाने का इरादा है। महासभा में जैसा महापौर बैठेगा तो पहला महासभा में प्रस्ताव आएगा कि नई मुंबई के जो हॉस्पिटल है उसमें कितना बिल्डिंग में मजले कितने एम्प्टी है, उस ढंग से उसका टेंडर ग्लोबली निकाला जाएगा। जो सही हॉस्पिटल की टीम आएगी उनको देके ऐरोली में 200-250 लोगों को, नेरुल में 200-250 लोगों को, बेलापुर में 200-250 लोगों, 1600 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यदि ट्रीटमेंट मिलते हैं तो मुझे बहुत आनंद लगेगा। वहीं सूरज पाटिल ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि क्रीड़ा क्षेत्र में क्रिकेट के आयोजन के साथ महिलाओं के लिए एक मंच मुहैया हो सके, इसी मकसद के साथ उन्होंने स्पर्धा का आयोजन किया। नगर सेवा का होना म्हणजे गटर रस्ता पदपथ हे नाही, ह्याच्या पुढे जाऊन समाज एकत्र बांधणं आणि त्यांच्याकरिता व्यासपीठ निर्माण करून देणं ही आदरणीय गणेश नाईक साहेबांची शिकवण, आणि त्यापरीने ही नवी मुंबई जडणघडण पुढे होत असताना माझा वाडसुद्धा त्या गोष्टीमध्ये मागे राहू नये म्हणून सातत्याने क्रीडा स्पर्धा असतील, सामाजिक उपक्रम असतील, दहीहंडी आरोग्य उपक्रम सर्व प्रकारचे, नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव, असे विविध उपक्रमातून आम्ही समाज बांधण्याचा प्रयत्न सातत्याने केलेला आहे। क्रीडा क्षेत्रामध्ये क्रिकेटकरिता वारंवार आयोजन झालं, परंतु जेव्हा जेव्हा लहान मुलं असतील, स्त्रिया असतील, इतर भगिनी माझ्या असतील, त्यांचे विचारणा वेगळ्या दिशेने व्हायचे की दादा आता कोविड कार्यकाळात घरी मुलं बसल्यात, हातात मोबाईल झाले किंवा आम्हीसुद्धा मैदान विसरलो, तर क्रीडा स्पर्धा होत असताना सर्वांना समाविष्ट असा क्रीडा महोत्सव व्हावा। मग त्या अनुषंगाने कुक्षेतला पहिल्या टप्प्यात आम्ही सुरुवात केली, आपण पाहिलं असेल उदंड असा प्रतिसाद लोकांचा लाभला, आणि दुसरा टप्पा सारसोळ्याला आज आपण पाहिलात, नागरिकांनी भरभरून तिथं उपस्थिती दाखवली आणि निश्चित सहभागी घेतला आहे। आज इथं मुलांसाठी 100 मीटर धावणे, त्यानंतर बुद्धिबळ, कॅरम, इथं 24 सोसायट्यांच्या अंडरम क्रिकेटच्या स्पर्धा, पलीकडच्या मैदानामध्ये गावातल्या 12 टीमच्या अंडरमच्या स्पर्धा, आणि त्यानंतर सौंदर्यवती बुद्धी आणि सौंदर्याचं ते एक परीक्षण होणार आहे, स्पर्धा होणार आहे, भारतीय संस्कृतीचं दर्शन केलं जाणार आहे, आणि शेवटच्या दिवशी पाककला म्हणजे जी गृहिणी सातत्याने किचनमध्ये राबते, आपल्या घराला सुगरणीसारखं नेहमी जेवण बनवून देते, तिच्या हाताची चव इथं राखून तिला गुण
गुणवंत म्हणजे इथं सन्मानित करण्याचा आमचा मनोदय या क्रीडा महोत्सवाच्या माध्यमातून आम्ही इथं करणार आहोत। वही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, हॉलीबॉल स्पर्धा जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। हे वैयक्तिक खेळ आम्ही आयोजित केलेले आहेत। यावर्षीचं आयोजन एक लोकांचा सहभाग पाहता पुढच्या वर्षी सांघिक स्पर्धांना आम्ही तिथे हात घालणार आहोत। फुटबॉल असेल, खो खो असेल, कबड्डी असेल, बॅडमिंटन आहे, अशा हॉलीबॉल आहे, अशा विविध स्पर्धांनी पुढचा क्रीडा महोत्सव रंगणार आहे।